नहीं बोल रहा है। चलिए जब बढ़ाइए नहीं। हाँ दिखाइए ये क्या बना रही है। हे गाइस वेलकम टू चंदा दी रसोई 24 बैंगलोर किचन में आपका स्वागत है। तो आज हमारे किचन में बन रही है हैदराबादी स्टाइल मटन करी। तो गाइस मैं 1 किलो मटन अभी ऑनलाइन मंगवाई हूँ और ये मैं टमाटर काटी हूँ, 600 ग्राम मैं प्याज काटी हूँ और नेक्स्ट ही मैं इसे मैरिनेट कर लेती हूँ। के जी ये मटन का अगला रन है, बहुत अच्छा मटन इन्होंने भेजा है और इसमें मैं आधा कप खट्टा दही आपको नहीं लेना है और ये मैं ऑर्गेनिक दही में बना रही हूँ, इसे दी हूँ आधा कप। और नेक्स्ट मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से 1 बड़ा चम्मच डाली हूँ और नमक 1 चम्मच अभी डाली हूँ और इसे मैरिनेट होने छोड़ देती हूँ। इसे जूसी बनाने के लिए 1 चम्मच में काचा सरसों का तेल डाल दी हूँ और 10 मिनट मेरीनेट होने देती हूँ। और इसी से आज हमारी लंच की थाली बनेगी। तो ये आज हमारा ब्लॉग है, बहुत दिन हो गया था मुझे ब्लॉग बनाए हुए, तो इसी से मैं अपनी लंच की थाली भी तैयार करूँगी। हमारा जो कलछल, हम लोग बिहार में इसे कहते हैं, तो इससे मैं 1 कलछल ये आधा कप का मेजरमेंट है, तो मैं आधा कप मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। ये क्या कर रही है? ये मैं हरी मिर्च ली हूँ, ये बैंगलोर का हरी मिर्च बड़ा मस्त आता है, तीखा भी कम होता है और बहुत मस्त होता है। तो इसे मैं अपने हैमर से, देखिए हैमर रखी हुई है, इसी से मैं इसे कुचल डाल रही हूँ। गरम मसाले को भी मैं थोड़ा थोड़ा हैमर से पीट दी हूँ और ये देखिए गैस तेल हमारा गर्म हो गया है अच्छे से और सारे अखा गर्म मसाला मैं इसमें डाल देती हूँ। 600 ग्राम 1 kg मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, जब भी आप मटन बनाएं तो 1 kg में रेशियो है 600 ग्राम। तो बहुत महीन कटी मैं प्याज डाली हूँ, ये 600 ग्राम प्याज है, हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट मैं डाल दी हूँ और इसे फुल फ्लेम पे ही आपको भूनते जाना है। प्याज का क्या करना? ये मैं अचारी सैलड बना रही हूँ, नमक डाली हूँ, लच्छे वाली प्याज जो होती है थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डाली हूँ और सिरका डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। वन इसका स्टार्च निकालती हूँ, राइस रेडी है और नेक्स्ट मैं इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून मैं इसमें मिर्चा पाउडर डाली हूँ और नमक अभी थोड़ा डाली हूँ, 1 टीस्पून जो नमक था हमारे प्लेट में ये डाल दी और सारे को भून देती हूँ। टमाटो कट करके डालती हूँ और भून देती हूँ और जब भी आप मसाला मटन का भूनें तो फुल फ्लेम पे भूनें। इतना अच्छा से हमारा जो मटन है वो मेरीनेट हो चुका है, अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। मटन को मैं कुकर में डाल दी हूँ और इसे फुल फ्लेम पे इनकी भुनाई करनी है और आप इसे फुल फ्लेम पे भूनें और 10 मिनट मैं इसे अभी भूनूंगी। पाइनएप्पल का क्या? आज मैं पाइनएप्पल का रायता मैं भी बनाऊंगी अपने थाली में, तो इसे मैं कट कर दी हूँ पाइनएप्पल को महीन महीन और इसे थोड़े से चीनी पानी में बॉईल कर देते हैं। पाइनएप्पल काटना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो देखिए मैं इसे कैसे काट रही हूँ, ये देखिए सारा निकाल दी और सारे को फटाफट ये देखिए चॉप करके और शुगर डाल के मैं इसे चढ़ा देती हूँ। चम्मच में इसमें शुगर डाल देती हूँ और इसे बॉईल कर देती हूँ। ये देखिए ये बॉईल हो रहा है, देखिए मटन अभी हमारा भुना नहीं है, मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और मटन को आप जब भी भुने तो फुल फ्लेम पे 10 मिनट तक अच्छे से भुनाई करें, तभी आपका मटन अच्छा बनता है। पल भी हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, अब मैं इसे उतार के ठंडा होने देती हूँ। बार बार आपको टिप्स देती हूँ कि आप जब भी मटन चिकन स्टू कुछ भी कुकर वाली कढ़ाई वाली सब्जी बढ़िया वाली बनाते हो तो उसमें गर्म पानी डालें, इससे आपका कलर तो इन्हेंस होता ही
बहुत टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। ये मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ। देखिए अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं, अभी इसे मैं और इसकी भुनाई करूँगी। अभी तेल इसने छोड़ा नहीं है। मैं दही डाल देती हूँ, ये ऑर्गेनिक दही है, मेरा बेटा ऑर्गेनिक दही खाता है, दही डाल दी हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें भुना जीरा पाउडर, ये भी मैं होममेड है और इसकी भी मैं वीडियो अभी बना के डाली हूँ। काली मिर्च पाउडर कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सौंफ की तरह, और ये आपका कभी ख़राब भी नहीं होगा, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये डाल दी हूँ, देखिए कितना मस्त पाइन एप्पल का मेरा रायता बनकर तैयार है। और थोड़ी सी मैं इसमें काला नमक भी डाल देती हूँ और मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा आप चाहो तो चाट मसाला डालो, मैं चाट मसाला भी डाली नहीं हूँ, थोड़ी सी। तो ये हमारा रायता भी पाइन एप्पल का तैयार है, इसे मैं साइड कर देती हूँ। और अपनी थाली को मैं एक बड़ा चम्मच काऊ घी डाल दी हूँ, ये अमूल का काऊ घी है। तो इसकी भुनाई बहुत अच्छे से है, ऑलमोस्ट मैं इसे 20 मिनट तक भूनी हूँ। दो चम्मच मटन मसाला डाल देती हूँ, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा बनता है। एवरेस्ट का मटन मसाला डाली हूँ। और इसमें मैं, ये देखिए मैं अपने केटल में पानी गर्म की थी, दो ग्लास मैं इसमें पानी डाल दी क्योंकि ग्रेवी भी होनी चाहिए। और हैदराबादी मटन ऑलमोस्ट बन के तैयार है और मैं इसमें प्रेशर लगा देती हूँ। आप इसमें जब भी प्रेशर लगाए तो 1-2-3 सीटी फुल फ्लेम पे, और फिर नेक्स्ट इसे लो टू मीडियम पे करके 20 से 25 मिनट तक पकने दो, तो आपका मटन बहुत अच्छे से पक जाता है। मटन में जा चुका है, अब मैं इसे प्रेशर लगा देती हूँ। मैं अभी आपको टिप्स दी हूँ कि फुल फ्लेम पे आप 2-3 सीटी लगा और नेक्स्ट इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक पकने दें। सर्व कर रही हूँ, इसमें थोड़ी सी मैं चाट मसाला है और थोड़ी सी जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर अभी मैं बनाई हूँ, वीडियो बनाई हूँ, इसका भी वीडियो मैं डाल दी हूँ। काली मिर्च पाउडर डाल के इसे सर्व करूँगी और थोड़ी सी ऊपर से मैं इसमें भी पुदीना और धनिया की पत्ता डाल दी हूँ, और इस पर पुदीना का पत्ता भी मैं रख दी हूँ, धनिया पत्ता भी डाली हूँ, और इसे साइड कर देती हूँ। अभी हमारा मटन बना नहीं है, दो प्रेशर फुल पे मैं दे दी हूँ और नेक्स्ट मैं इसे स्टीम करके 15 मिनट तक पकने देती हूँ। मटन तैयार हो गया। या तो गाइस ये देखिए मैं स्टीम पे छोड़ दी थी इसे, और सारा प्रेशर मैं इसका निकाल ही नहीं हूँ, अपने निकल चुका है। मैं इसे खोल के देखूँ, वाह इसकी अरोमा मेरे किचन में फैली हुई है फ्रेंड, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी अच्छी बनी है, ये देखिए। और अब मैं इसे डिस आउट कर दिया। मैं चांद लाऊंगा 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, पहले इश्क लाऊंगा पहले इश्क। मैं इसे डिस आउट कर देती हूँ। उसे कहो कि अभी ठहरे जरा, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है फ्रेंड, मैं इस पर रील भी बनाई हुई हूँ, बहुत पसंद है मुझे ये सॉन्ग। तो ऊपर से मैं इसमें धनिया पुदीना की पत्ती डाल दी हूँ और अपने सारे प्लेट्स को मैं देखिए सजा दी हूँ अच्छे से। आप देख सकते हैं मैं कितना चीज़ बनाई हूँ। और इसे मैं साइड करती हूँ और थाली की ओर आती हूँ। थाली तैयार हो गया। या तो बहुत दिनों पे आज मैं थाली बनाई हूँ, लंच की थाली, और वो भी एकदम मस्त हैदराबादी मटन मसाला बिरयानी बनाई हूँ। तो गाइस ये देखिए बिरयानी, सॉरी मटन हमारा तैयार हो चुका है। मटन देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कुछ ना कुछ बोल जा रही हूँ। तो ये देखिए मटन हमारा कितना मस्त बना है, आप देख सकते हैं। और ये मैं राइस बनाई हूँ, प्लेन राइस, और इसे मैं धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और एक लंबा सा बड़ा सा बैंगलोर की हरी मिर्च डाल दी। और ये हमारा आज का रेसिपी ये भी था, पाइन एप्पल का रायता, बहुत बहुत मस्त बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे फ्रेंड। और ये हमारा मटन कड़ी, हैदराबादी मटन कड़ी है, और ये मैं पापड़ आज सेकी हूँ, बहुत दिनों के बाद पटना आने के बाद लगता है मैं पहली बार थाली लगाई हूँ। तो ये पापड़ सेकी हूँ माइक्रो में, और ये हमारा सैलेड है, लच्छा प्याज वाला सैलेड है,
इसमें मैं, आप देखिए आपके सामने मैं बनाई हूँ, बहुत टेस्टी ये भी बनती है। और मटन जब मैं बनाती हूँ तो ये सब चीज़ मैं बनाती ही हूँ। तो अगर आपको, और रोटी भी मैं बनाई हूँ, रोटी भी मैं अपने थाली में लगा देती हूँ। भी मैं सेकी हूँ आज, बहुत दिन पे थाली बनी, मैं इसमें काऊ घी लगा दी हूँ और इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। तो देखिए हमारा थाली बन चुका है, लंच की थाली, जो कि वेडनेसडे स्पेशल मैं आज बनाई हूँ और ये बना है बैंगलोर किचन में। तो अगर आपको हमारी आज की लंच की थाली की रेसिपी, बट मेरी रेसिपी थी हैदराबादी मटन कड़ी, मसाला कड़ी, जो कि मैं आपके सामने बनाई हूँ। आपने देखा मैं कैसे कैसे बनाती गई हूँ, बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई हूँ आपको। तो अगर आप, और इसे भी मैं बनाई हूँ आपके सामने, रायता को, पाइनएप्पल रायता को। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। मैं आपका इंटरनेट इंटरटेन भी की हूँ, मटन देख के मुंह में पानी आ रहा है, गाना भी गाई हूँ। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। दुआओं में याद करिएगा और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सबक खैर, हैव अ नाइस डे।